अगर एक लड़की को शादी करने के बाद उसे फोर्स किया जाए कि आप बाहर जॉब नहीं करोगे और इस तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे, इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, उसे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जबकि वो जॉब करना चाहे, जबकि वो अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस शादी को तोड़ देना चाहिए, उसे किसी से बात करनी चाहिए, या चुपचाप बैठ के उस रिश्ते को चला लेना चाहिए? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में आ रही हैं, उनके सही सॉल्यूशन तक पहुंचा पाऊँ। ये टॉपिक मुझे यही फोरम में दिया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट शुड अ लेडी डू इफ हर फैमिली इज नॉट सपोर्टिव ऑफ हर ड्रीम्स। तो क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि एक उस लेडी को क्या करना चाहिए जिसकी शादी हो गई है और जो उसका हस्बैंड है या जो उसके इन-लॉज हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं। वो चाहते ही नहीं है कि वो बाहर निकले, वो चाहते ही नहीं है वो अपने ड्रीम्स को, जॉब को, स्टडीज को, या फिर अपने लिए करियर वाइज किसी चीज को देखे, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, इस तरह के कपड़े नहीं, ऐसे नहीं, हमारे समाज में ऐसा होता है, इस तरह की बाउंड्रीज का वो सामना कैसे करें। पहली चीज, इस चीज को जानना जरूरी है कि बहुत सी लेडीज इस इमोशनल ट्रॉमा में बहुत होती हैं। आपको लगता है कि हमने उन्हें बोल दिया और अब वो सोचेंगी नहीं और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है एक लेडी को, एक ह्यूमन को, स्पेशली उसे जिसे एक रिस्ट्रिक्शन दी जाए कि तुझे तो मानना ही है और अब तेरी शादी हो गई है तो यू हैव टू ओबे ऑल द रूल्स, उसे एक चीज और के लिए बंद किया जाए तो वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरती है। बट इसमें यहाँ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या शादी से पहले अपने अपने ये ड्रीम्स, ये कमिटमेंट्स, ये मुझे ये करना, इस बारे में बात की थी? अगर की थी तो आपका पूरा राइट है इस बारे में बोलने का और ये भी डिसीजन लेने का कि मुझे इस मैरिज में रहना है या नहीं, डिस्पाइट ऑफ व्हाट सोसाइटी सेज कि नहीं तुम्हें निभाना होता है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने नहीं बात की थी लेकिन फिर भी अब आप चाहती हैं कि करियर को करूं, ऑल दो हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं और आप अपने आप में बहुत सफोकेटेड फील करती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पहले इस चीज को समझना कि जो शादी है ना वो एक बंधन है। शादी का मतलब ही यही है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कराने भी पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही पार्टी झुकी जाए और दूसरी पार्टी अपने रूल्स चलाती रहे। डिस्पाइट ऑफ व्हाट सोसाइटी ने तो बोलना ही, आप सीधी रेखा खींचेंगे वो बोलेंगे इसको टेढ़ी बनाओ, टेढ़ी खींचेंगे तो बोलेंगे सीधी बनाओ, तो उसको भूल कर ये आप दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए और लेडी को समझना चाहिए मेरे लिए प्रायोरिटी पे क्या है। क्या मेरे लिए प्रायोरिटी पे मेरा करियर है या मेरे लिए प्रायोरिटी पे सिर्फ लोगों के सामने वो बाउंडेशंस देना और बच्चों को समझना और पति को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो फैमिली को प्रायोरिटी पे रख के अपने करियर को काटा लगा देती हैं और कई अपने करियर पे आगे बढ़ने के लिए अपनी फैमिली से झगड़ने और मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होने लग जाती हैं। तो अगर आपको लगता है ऊपर है, फाइट करो, लड़ो, आप अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आप दोनों की कश्मकश में रहोगे तो आप भी घुटोगे और हैप्पी नहीं रह पाओगे। इस वजह से हस्बैंड वाइफ के कलेश बहुत बढ़ते हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब हो जाती है, तो ना वो एक अच्छी पेरेंट बन पाती है, ना एक अच्छी माँ, ना एक अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव, कुछ भी नहीं। इसलिए ये सोचना जरूरी है कि मेरा सही रास्ता क्या है और कैसे मैं उसके लिए लड़ूं। ऐसे में आपको लगता है मेरा करियर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत सफोकेट हो रही हूं, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही एबिलिटी होने के बावजूद भी, पहले प्रूफ करें। प्रूफ कैसे करेंगे, छोटे छोटे काम शुरू करें। इफ यू फील कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरी में ही मुझे आगे एमडी करनी है, कुछ और करना है, या पीएचडी करनी है, या कोई जॉब करनी है, तो पहले छोटा सा कोर्स ऑप्ट करें 10 दिन का। प्रूफ करके दिखाएं कि आप डेली रूटीन में ये 10 दिन का काम, ये 10 दिन का कोर्स कर पा रहे हैं। फिर आप उस चीज को आगे रखें, अपने इस कोर्स को आगे रखें और बोलो मुझे ये भी करने दो, ये भी करने दो। अगर आप स्ट्रेट अवे जाके बोलोगे मुझे ये करना है, देन नोबडी विल एक्सेप्ट, इट विल टेक ऑब्वियसली सम टाइम। ठीक है, तो छोटा छोटा पहले प्रूफ करो। आपको लगता है मुझे कमाना है, मेरे अंदर स्किल है, मैं एक अच्छा केक बना सकती हूँ, पहले एक केक बना के उसको सेल करने की कोशिश करो, दो बनाओ, तीन बनाओ, फिर धीरे धीरे धीरे
प्रूफ करो और इमोशनली उस लेवल पे आ जाओ। देखिए आजकल के टाइम पे पैसा आता हुआ किसी को भी बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर करियर ऑब्जेक्टिव के लिए उन्हें लगता है कि बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसको भी बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। ये भी समझिए कि अगर 30,000 कमाने पे आपको 3,000 की एक मेड रखनी पड़ रही है, लेकिन वो फाइनेंशियली आपको सपोर्टिव है और बच्चों की भी केयर हो रही है, तो वहां पे हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए कि वो वाइफ्स को आगे करें। आज नारी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, इसलिए सिर्फ ये बोल देना कि तुम नहीं करोगी और नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कैपेबिलिटीज को देखें, आपकी एज अ फैमिली बहुत इमेज बन जाएगी लोगों के आगे अगर आप दोनों एक अच्छा काम कर रहे होंगे। और बहुत से ऐसे लाइव एग्जांपल्स मेरे भी आसपास हैं। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट करने के लिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, और पर्सनलाइज सेशन के लिए www.drnehamehta.com। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।